नेहा वजीर का घर से बाहर जाने के बाद आया तेजरन और उमर रियाज पर चौंका देने वाला बयान। आखिर ऐसा क्या कुछ कहा है नेहा वजीर ने उमर रियाज और तेजस्वी प्रकाश करण कुंद्रा के बारे में, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, नेहा भसीन जो कि घर से बेघर हो चुकी हैं, लेकिन हाल फिलहाल उनका एक बयान सामने आया है जो कि है उमर रियाज तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के बारे में। दरअसल जैसे ही नेहा भसीन जो है घर से बाहर गई थी, वैसे ही उमर रियाज करण और तेजा का जो है कॉन्वर्सेशन हुआ था, जहां पर रात को बैठकर वो लोग बातचीत कर रहे थे कि नेहा जो भी थी वो मुंह पर थी, बंदी बोलती थी जो उसे सही लगता था और वो मुंह पर बोलती थी, पीठ पीछे जाकर वो नहीं बोलती थी। इस तरीके से जो है वो तारीफ करते हुए नजर आते हैं नेहा भसीन की। वेल, जब ये कल एपिसोड आया तो नेहा भसीन ने भी जाहिर सी बात है ये एपिसोड देखा ही होगा, तो नेहा ने जब देखा ये चीज कि करण तेजस्वी और उमर रियाज उनके बारे में बात कर रहे हैं और जो चीज वो घर के अंदर रहकर समझाने की कोशिश कर रही थी वो ये लोग जो हैं उनके जाने के बाद बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा टची नेहा भसीन को लगा। और फिर नेहा भसीन ने एक पोस्ट शेयर किया जहां पर लिखा कि मैं जो चीजें घर के अंदर समझाने की कोशिश कर रही थी वो ये लोग काफी अच्छे से समझे, और दोस्त तो ठीक ही हैं, दोस्त तो याद करते ही हैं, लेकिन जब ओपोनेंट्स याद करते हैं, यानी कि आपके जो सामने वाले लोग हैं वो याद करते हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यानी कि नेहा भसीन और करण कुंद्रा की काफी ज्यादा लड़ाई हुई है, हमने देखा है उमर रियाज के साथ में भी काफी ज्यादा लड़ाई हुई है, लेकिन जब नेहा भसीन घर से बाहर गई हैं तो इन तीनों ने, यानी कि तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा और उमर रियाज ने नेहा भसीन को याद किया है, और याद करते हुए ये कहा है कि वो बंदी जो भी थी काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो मुंह पर बोलती थी और एकदम सटीक अपने पॉइंट्स रखती हुई नजर आती थी। नेहा वसीम ने भी इसी के लिए काफी अच्छा फील किया और कहीं ना कहीं वो जो है उन्होंने अपनी स्टोरी में शेयर किया, और नेहा वसीम ने तारीफ की उमर रियाज, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश की। वेल, आपकी क्या रिएक्शन है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।